ब्रीच कैंडी अस्पताल के बिस्तर पर बैठी जोया की हंसी एक बार फिर से वापस लौट आई है। सिर्फ 11 महीने की उम्र में जोया देश के सबसे अनोखे ऑपरेशन की गवाह बनी है। अब तक इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन भारतीय इतिहास में नहीं हुआ था। दरअसल जोया पर मौत का बड़ा खतरा मंडरा रहा था। महज 11 साल की उम्र में जोया 18 किलो की हो चुकी थी और इतना बढ़ा हुआ वजन जोया की जान का दुश्मन बन चुका था। जोया को बैठने से लेकर सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी। जोया की तरह ही जोया के भाई को भी मोटापे की बीमारी थी और इसी बीमारी की वजह से जोया का भाई 18 महीने की उम्र में चल बसा था। लेकिन जोया पर मंडराते खतरे को दूर करने का जिम्मा उठाया ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों ने। इस बच्ची में जोया में हमें ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर करके करनी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज उसके भाई जैसे जो गुजर चुका है उसी के पाथ पे ये थी और ये भी करीबन एक साल देखने के पहले ही गुजर जाते थी। जोया के ऑपरेशन में खतरा काफी ज्यादा था। आखिरकार जोया का ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ किया गया और ये कामयाब रहा। उसके जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे कम हो गए, उसका जो ब्रीदिंग था वो नॉर्मल हो गया है, उसका जो पहले सुस्त रहती थी आज वो बहुत प्लेफुल है। इस नन्ही सी जान के चेहरे पर खिलखिलाती खुशी साफ देखी जा सकती है। जोया की माँ ताज खातून और डॉक्टर संजय भी बेहद खुश हैं, क्योंकि एक असंभव सा दिखने वाला ऑपरेशन जोया की जिंदगी का चमत्कार बनकर सच साबित हो गया है। भारत के इतिहास में ये अपने आप में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन है। आम तौर पर आंत की चौड़ाई घटाकर जो ये ऑपरेशन किया जाता है ये एडल्ट्स में किया जाता है, लेकिन 11 साल की इस मासूम बच्ची के साथ डॉक्टर ने ये अनोखा कारनामा कर दिखाया और अब जोया खुश है और उसकी माँ को इस बात की खुशी ज्यादा है कि उन्होंने अपना एक बच्चा तो खोया था लेकिन इस चमत्कार की वजह से आज जोया उनके साथ गोद में खुशी से हंस खेल रही है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सुधीर शुक्ला, इंडिया टीवी।